इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वो होगा यूईफा चैंपियंस लीग का फुटबॉल मैच जो खेला जाएगा आरबी लेप्ज़िग और रियल मैड्रिड के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को आज के मैच में लेकर चलना है और उन्हीं 11 में से किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन देना है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। तो दोस्त अब हम इस मैच में ये जान लेते हैं कि कौन सी टीम आज के मैच अपने होम ग्राउंड में खेलेगी। जो आरबी लेप्ज़िग की टीम है ना वो आज का मैच में एक होम टीम होने वाली है। वहीं पर बात करें रियल मैड्रिड की टीम जो है वो इस मैच में एक अवे टीम होने वाली है। और होम टीम जब अपना मैच होम में खेलती है, जो टीम अपना होम में मैच खेलती है, तो 20% तो चांसेस मैच को विन करने का यहीं पर बन जाते हैं क्योंकि वो अपना होम में खेलती है। फैन का सपोर्ट, टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट, फील्ड का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और देखा जाए तो जो लेप्ज़िग की टीम है वो एक जर्मनी की टीम है, ओके। और वहीं पर बात करें जो रियल मैड्रिड टीम है ये स्पेन की टीम है। तो दोनों टीम काफ़ी अच्छी हैं अगर देखा जाए तो। तो दोस्त अब बात आती है कि इन दोनों टीम में कौन सी टीम एक बेटर टीम रहेगी, ये तो मैं आपको तभी बताऊँगा तब एक हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। और इस मैच का प्रेडिक्शन क्या रहेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस मैच में इतना गोल अब आ जाएंगे अभी बता दूं तो वह आपको लगेगा यार कोई लॉजिकली बात नहीं हुई, लेकिन आपको हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करूंगा तब आपको ये भी लगेगा हाँ इस मैच में इतना गोल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस को देख लेते हैं। देखो इन दोनों टीम के बीच में जो लास्ट के दो हेड टू हेड मैच हुए हैं उन दो में से लेप्ज़िग ने एक विन किया है, एक मैच हारा है। मतलब अभी तक दोनों टीम के बीच में जो रिजल्ट रहा है वो 50-50 हमें देखने को मिला है। अटैकिंग एवरेज 1.5 का है, डिफेंसिव एवरेज 2 गोल पर मैच कंसीड करना गया है। तो दोनों टीम के बीच में अब तक काफ़ी शानदार मैच खेला गया। और दोनों टीम जो लास्ट मैच खेली हैं 2022 में खेली थी वो लेप्ज़िग ने अपना होम ग्राउंड में खेला था और उस मैच में लेप्ज़िग ने 3 गोल किए और डिफेंस वाइज 2 गोल कंसीड किए और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला मैड्रिड के सामने। लेकिन उससे पिछले मुकाबला रियल मैड्रिड ने अपना होम में इसी टीम के सामने खेला था फर्स्ट लेग का मैच, उस मैच को रियल मैड्रिड 2-0 से जीत गई थी। मतलब डिफेंस से भी अच्छा खेली और अटैक से भी अच्छा खेली। तो दोस्त आज के मैच में कौन सी टीम बेटर खेलेगी, तो मुझे लगता है कि लेप्ज़िग आज भी अच्छा खेलेगी, लेकिन रियल मैड्रिड का रीसेंट फॉर्म देखते हुए और प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखते हुए कि मुझे नहीं लगता कि लेप्ज़िग की टीम इतने जल्दी से मैच को जीत जाएगी। तो दोस्त यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम है, लेकिन हम जब दोनों टीम का रीसेंट गेम देखेंगे तो वहाँ से ये चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी टीम कहीं ना कहीं अच्छा खेलेगी। अब हम बात करें लेप्ज़िग के बारे में। लेप्ज़िग के लास्ट के अगर 6 मैचेस पर नज़र डालें तो 6 मैचेस टीम ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ खेले, 3 मैच हारे हैं। तो इतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अटैकिंग गेम देखें तो 1.5 का है, डिफेंसिव गेम देखें तो 1.8 का है। तो ये टीम अटैक से तो अच्छा खेले लेकिन डिफेंस वाइज वीक है और अधिकतर मैच हारे हैं। जो पिछला मैच खेला है ऑक्सबर्ग के सामने खेला और जर्मनी बुंदेसलीगा की वो एक एवरेज टीम है उसके सामने तो कम से कम एटलीस्ट इस टीम को जीतना था, लेकिन मैच को ड्रॉ खेली। यूनियन बर्लिन के सामने टीम जरूर 2-0 से जीती है, शटटगार्ड के सामने 5-2 से हारी है, बायर लेवरकुसन के सामने जो इस लीग की टॉप बेस्ट टीम है उसके सामने 5-3-2 से हारी है और फ्रैंकफर्ट के सामने 1-0 से हारी है। लेप्ज़िग गालेन के सामने जीती थी, वो एक हल्की टीम थी। अगर हम देखें तो यहाँ से ये टीम अटैक वाइज तो काफ़ी शानदार देखने मिलती है क्योंकि ये टीम पर मैच में कम से कम एक गोल तो कर देती चाहे मैच को हार जाए, लेकिन डिफेंस वाइज थोड़ी सी वीक है। और रियल मैड्रिड को यही चीज़ इस टीम के अंदर देखनी है क्योंकि वो चाहेगी कि अपना अटैक पर तो काबू कर लेगी लेकिन डिफेंस जरूर तोड़ा जाए इस टीम पर ताकि हम मैच में बढ़त बढ़ाएँ। तो मुझे लगता है कि लेप्ज़िग की टीम कहीं ना कहीं थोड़ा आज डगमगाएगी ज़रूर। लेकिन अब हम मैड्रिड का अगर परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट के 6 मैच में से इस टीम ने 4 मैच जीते हैं, एक ड्रॉ खेला, एक हारा है। अटैकिंग गेम 2-3 है, डिफेंसिव गेम 1-3 है। तो फिलहाल के टाइम पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि अधिकतर मैच या तो इस टीम ने जीते हैं या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन जल्दी से लॉस नहीं किया। अटैक भी शानदार है, डिफेंस वाइज जरूर ये टीम गोल कंसीड कर देती है। पिछला मैच गिरोना के सामने खेली है जो इस लीग की टॉप टेबल टीम थी, लेकिन अब मैड्रिड है, 4-0 से उसके सामने जीती है।
एटलेटिको मैड्रिड जो वो भी काफ़ी अच्छी टीम है उसके सामने 1-0, 1-1 से मैच को ड्रॉ किया। गेटाफे के सामने 2-0 से जीता है, लास पाल्मास के सामने 2-1 से जीता, अलमेरिया के सामने 3-2 से जीता। एक मैच जरूर हारी है, एटलेटिको मैड्रिड के सामने हारी थी, लेकिन उस मैच में रियल मैड्रिड की तरफ से 2 गोल आए थे, तो हार तो नहीं कह सकते, मतलब इतने क्लोजली तो, लेकिन शानदार खेला वो मैच। तो मैड्रिड का जो परफॉर्मेंस है अटैक से लेकर डिफेंस तक मुझे काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। तो दोस्त अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी टीम जीतनी चाहिए, कितने गोल करके मैच को जीतनी चाहिए। तो मैं इस मैच का प्रेडिक्शन जरूर दूंगा, लेकिन इन तीनों फॉर्मेट को कंपेयर करने के बाद, दोनों टीम को हम इन तीनों फॉर्मेट में कंपेयर करेंगे, जो कंपेरिजन में आगे निकल कर आएगी वही टीम फेवरेट रहेगी आज के मैच। बात करें सबसे पहले दोनों टीम की पॉइंट टेबल के अनुसार कंपेरिजन करेंगे, दोनों टीम का हमने हेड टू हेड मैचेस देखें तो उसके अनुसार भी दोनों टीम को कंपेरिजन करेंगे, दोनों टीम का रीसेंट गेम्स देखें तो उसके अनुसार भी हम दोनों टीम को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट टेबल देखो, जर्मनी बुंदेसलीगा में लाइपज़िग की जो पोजीशन है अगर देखा जाए तो एक मिड टेबल टीम है, वहीं पर बात की जाए रियल मैड्रिड ला लिगा की टॉप टेबल टीम है, तो दोनों टीम के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और वैसे भी रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है जो अपनी काबिलियत से जाना जाता है, ओके। वहीं पर बात करें हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो इन दोनों टीम के बीच में 2 मैच हुए, सिर्फ दोनों मैच में दोनों टीम का रिजल्ट 50-50 देखने मिला, क्योंकि दोनों टीम ने एक एक मैच जीता है। वहीं पर बात करें दोनों टीम के रीसेंट गेम्स के बारे में, तो लास्ट के 6 मैच इस टीम ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। वहीं पर बात करें मैड्रिड के बारे में, तो लास्ट के 6 मैच इस टीम ने 4 मैच जीते हैं, तो ये टीम काफ़ी अच्छा खेली है अटैक से भी और डिफेंस से भी। अगर हम तीनों फॉर्मेट में कंपेयर करें तो टीम आज के मैच में मुझे रियल मैड्रिड की टीम एक बेटर टीम देखने को मिलती है। तो दोस्त अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, कौन सी टीम मैच को जीतनी चाहिए, कितने गोल करके मैच जीतनी चाहिए। तो फिलहाल के टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि लाइपज़िग की टीम इस मैच में सिर्फ 1 गोल कर पाएगी, क्योंकि लाइपज़िग अटैक वाइज अच्छा जरूर खेली, इसलिए मैंने मुझे लगता है गोल करेगी, लेकिन डिफेंस वाइज वीक खेली है। और जैसे कि मैड्रिड सामने है तो कहीं ना कहीं मैड्रिड की टीम इस टीम के सामने गोल करने की पूरी कोशिश रहेगी, और मुझे लगता है कि 2 गोल कर ही देगी, चाहे वो जूद बेलिंगम का हो, चाहे विनीसियस जूनियर का आए, चाहे रोड्रिगो का आए, चाहे लुका मॉड्रिक को, टोनी क्रोस, कवामिंगा, चौमानी, किसी का भाई, लेकिन गोल इस मैच में एटलीस्ट 2 तो आ ही जाएंगे। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है इस मैच को लेकर। अब इस मैच में हमें अपनी फैंटेसी की टीम को क्रिएट करना है, अब टीम में किस प्लेयर को लेना है, किसको कैप्टन देना है, किसको वाइस कैप्टन देना है, ये जो सारी जानकारी रहेंगी ये आपको दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप और प्लेयर का स्टेट्स के अनुसार दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम लाइनअप पर नज़र डालेंगे, उससे पहले आपको ये चीज़ याद दिला दूँ, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसी प्रकार की फैंटेसी फुटबॉल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट मैच की वीडियो की नोटिफिकेशन आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके आप ये ज़रूर बता देना कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। और दोस्त इस मैच जो फाइनल समोली की टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इस मैच में मैं कोशिश करूँगा गारंटी टीम देने की भी, तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रहे सर्च करके ज्वाइन मत करना, क्योंकि सर्च करने पर बहुत सारे फेक चैनल आते हैं, उन सबसे बचने का आसान तरीका जो लिंक और टॉप के कॉमेंट डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है उसी पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ओके। तो चलिए लाइनअप अब हम देखते हैं, सबसे पहले कोपेनहेगन की तरफ से, आरबी लाइपज़िग की जो फॉर्मेशन रहेगी आज के मैच में 4-2-2-2 के फॉर्मेशन से टीम खेलेगी प्लेइंग 11 में, और जो प्लेयर के स्टैट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो स्टैट्स को समझने से पहले लाइनअप को समझना इम्पोर्टेंट है। गुलास की इस टीम का गोलकीपर है और मुझे लगता है कि आज के मैच में इन्हीं को लेकर चलना चाहिए। वहीं पर बात करें डिफेंस सेक्शन में, तो यहाँ से डेविड रोम है और यहाँ से बेंजामिन हेनरिक्स है। दोनों प्लेयर्स अगर देखा जाए फैंटेसिक नज़रिए से इतना खास नहीं है, क्योंकि खास प्लेयर आपको देखने मिलेंगे मैड्रिड की तरफ है। अगर देखा जाए तो इन फुलबैक में 2 में से 1 प्लेयर है डेविड रोम, इनको ट्राई कर सकते हो। विल ऑर्बान कभी कभी गोल करता है, वो भी जब भी गोल आता है सिर्फ इसी का गोल आता, फिर किसी का नहीं आता। क्लॉस टेरमैन इस टीम की तरफ से फुलबैक है, सॉरी दोस्त
सेंटर बैक है तो इनका डिफेंसिव नंबर इतना खास नहीं, लेकिन पासेस अच्छे आ जाते हैं, तो मैं इनके डिफेंडर को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ग्रैंडलिंग यूज कर सकते, सम्बोलिंग नहीं। वहीं पर बात करें जेवियर है, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। कैंपल है, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिफेंसिव वर्क करेंगे, गोल असिस्ट का चांसेस रहेंगे नहीं, और ये टीम पूरी कोशिश करेगी कम से कम गोल निकाले। तो यहाँ से जेवियर सिमोन्स है, ये काफ़ी यंग प्लेयर है और इस टीम के लिए इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक करके दिखाया है। डानी ओल्मो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं पर बात की जाए इस टीम की तरफ से, आपको लुइस ओपेंडा देखने मिलेगा और यहाँ से बेंजामिन सेस्को देखने मिलेगा। ओपेंडा का पिछले मैच में 2 गोल आए थे, सेस्को भी काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग खेलता है। डानी ओल्मो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से इन तीन में से आपके पास 2 प्लेयर तो होने चाहिए। देखो लाइनअप के हिसाब से देखा जाए तो मेरी टीम में ओपेंडा रहेगा, डानी ओल्मो रहेगा और सिमोन्स रहेगा, प्लस में हम इस टीम का गोलकीपर लेके चलेंगे। अगर देखा जाए तो एक डिफेंडर अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो डेविड रॉम को भी हम टीम में फैंड लेकर चल सकते हैं। ओके, देखो प्लेयर का स्टेट्स मैंने यहाँ पर गलत जरूर मेंशन किए, लेकिन जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ज़रूर बता दें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स का स्टेट्स डाटा को मुझे कलेक्ट करने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई बात ना, मेंशन कर लेना। तो अब हम जो दूसरी टीम है रियल मैड्रिड, उस टीम के प्लेयर्स का स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। देखो रियल मैड्रिड का प्लेयर का स्टेट्स मैंने उसमें लिख दिए और उस टीम के प्लेयर का स्टेट्स इसमें लिख दिए, तो आप ज़रूर हैंडल कर लेना। ओके, तो लाइनअप को ज़रूर समझाऊंगा मैं आपको। 4-3-1 के 1-2 के फॉर्मेशन से टीम खेलती है। लाइनअप में देखा जाए तो लूनिन है, गोलकीपर है। ट्राई ज़्यादा नहीं करने को बोलूँगा, क्योंकि ग्रैंडलिंग यूज कर सकते, समोलिंग नहीं। लेकिन वाजक्यूज, चौमानी, कारवाजल, मैंडी, इस टीम का डिफेंडर है। इस टीम के डिफेंडर में कारवाजल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर डिफेंस सेक्शन में आपको लिस्टेड देखने मिले चौमानी, तो इनको कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में। वास्क्यूज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैंडी ज़्यादा डिफेंसिव वर्क करता नहीं, तो इसलिए डिफेंडर इसको ड्रॉप जरूर करूँगा। फेडरिक वालवर्डे पिछले मैच में इसका जरूर एक असिस्ट आया था, गोल भी आया था आई थिंक, लेकिन यह हर मैच में इतना गोल असिस्ट नहीं करता, बिना गोल के 20 पॉइंट जरूर दे जाता। टोनी क्रॉस ऑब्वियसली क्लास प्लेयर है, जब भी खेलता है 90 मिनट तो कम से कम इसके पॉइंट हो जाते हैं उस कंडीशन में 35-40, और गोल का नहीं तो बल्कि असिस्ट का चांसेस पूरे रहते हैं। कमा विंगा है, देखो प्लेयर ये भी अच्छा है, लेकिन ये डिफेंस वर्क करता है, गोल असिस्ट का चांसेस कम रहते हैं। जोदे बेलिंगम, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, ये तिड़की इस टीम की तरफ से सबसे खतरनाक है अगर देखा जाए तो। इन तीनों को तो लेकर चलना ही चलना है। अगर इस टीम की रेटिंग देखा जाए पिछला मैच में, आप देखो हर प्लेयर के 8+ रेटिंग है पिछले ही मैच की, हर प्लेयर की, मतलब ये टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब प्लेयर का स्टेट्स जरूर आपको इंटरचेंज देखने मिले हैं, लेकिन स्टेट्स नहीं तो आपके पास नहीं, ये प्लेयर तो अपनी फैंटेसी की टीम में मतलब होने चाहिए यार, क्योंकि यही तो ये इस टीम की तरफ से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे खास परफॉर्मेंस करते हैं। अगर चौमानी मिडफील्ड लिस्टेड है तब ड्रॉप कर देना, डिफेंडर लिस्टेड है तब पिक कर लेना। ओके, तो दोस्त मैंने आपको दोनों टीम की लाइनअप दिखाई, प्लेयर का स्टेट्स भी दिखाया है, तो उसी के बेस के अनुसार हमें अपनी फैंटेसी की टीम को लेना। जो प्रेडिक्शन इस मैच की रखी है अभी के लिए मैंने 1-2 रखी है, तो चलिए टीम पर नज़र डालते हैं। तो दोस्त अभी के लिए मैं ये फैंटेसी की टीम बना चला हूँ। अगर इस टीम में बात की जाए कैप्टनसी की, कोई शक नहीं कि कैप्टन तो आपके लिए आज के मैच में सबसे बेस्ट रहेगा जूदे बेलिंगम, मैं इन्हीं को कैप्टन दूंगा। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो विनीसियस जूनियर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन लास्ट मैच में दोनों का गोल आया था, और टोनी क्रूस को भी एक लो स्कोरिंग मैच में आप टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो, या लुइस ओपेंडा को ट्राई कर सकते हो, डानी ओल्मो को ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबको तो हम नहीं बना सकते, बल्कि मैं जो देख चला हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन अभी के लिए इनको लेकर चला हूँ। जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो आफ्टर लाइनअप इस मैच की फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी टीम को फॉलो करें, बल्कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में उसके दम पर भी आप खुद से बेटर टीम बना सकते हो। होप सो वेल इन दिस मैच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस मैच की जो फाइनल अपडेट रहेगी वो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जैसे टीम न्यूज़ रहेगी, फॉर्मेशन रहेगी, बाकी जो तो सारी कुछ मिल जाएगी। ओके, मिल